चांदीवली पश्चिम स्थित सप्तकुंडी महायज्ञ का आयोजन 5 फरवरी से 12 फरवरी तक शंकर मंदिर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक विनोद तिवारी और उनके सहयोगियों द्वारा 10 सालों से यह सप्तकुंडी महायज्ञ का आयोजन करते आए हैं, जहां इस कार्यक्रम में फिल्म जगत, मीडिया जगत तथा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने अपना काफी अच्छा सहयोग दिया है। वहीं लगातार 7 दिनों तक भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसमें भजन गायक असलम मासूम भदोही वाला ने भजन से आए हुए भक्तों को मनमुग्ध कर दिया। आइए सुनते हैं कुछ भजन। सप्तकुंडी महायज्ञ के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सप्तकुंडी हवन का आयोजन पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और विद्वान पंडितों द्वारा इस समय जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि कहते हैं, और खास करके इसका मकसद ये है कि लोगों को ये जानकारी दिया जाए। और जैसे सत्संग भजन कीर्तन होता है, तो पिछले कुछ 5 सालों तक समुद्र के किनारे वहाँ के कोलीवासी थे, जो उन लोगों के साथ बहुत विस्तार रूप से वहाँ कार्यक्रम हुआ। ये भगवान नारायण का ये सूर्य महायज्ञ हम कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, मतलब ये 4 युग बनाए गए, लेकिन इस कलयुग में भगवान नारायण के प्रति श्रद्धा जागृत हो, भक्तों में सबकी श्रद्धा और भक्ति और जिसकी जैसे विचार है, सबकी मनोकामना भगवान नारायण पूर्ण करें, इस भावना से कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का ये सप्तकुंडी है, सूर्य महायज्ञ रखे हैं। भगवान नारायण का रथ है, रथ में देखिए 7 घोड़े समाहित होते हैं, जिसमें भगवान आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं, और भगवान का वह रथ चलता है। तो हम भगवान नारायण से आशीर्वचन, भगवान नारायण से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान नारायण को अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार श्रद्धा अर्पण करते हैं। साल पहले ये सनातन धर्म जागरण मंच की स्थापना श्री विनोद तिवारी जी किया था, तब 2 साल पहले मैं संपर्क में इसके आया था, और 2 साल से मैंने देखा हूँ कि वास्तव में हमारे समाज को, हमारे धर्म को जागरण की आवश्यकता है। जिस तरह से आधुनिकरण हो रहा है और लोग अपने घरों के अंदर टीवी वाले बंद हो चुके हैं, वह धर्म कर्म को भूल चुके हैं, तो यह सनातन धर्म का यह जागरण मंच जो है वह सोए लोग को जगाने के लिए है। जो हिंदू अपने धर्म कर्म से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं, जिनको ऐसा ज्ञान नहीं रह गया है, इस धर्म के कार्य के माध्यम से जनता के और हिंदू धर्म, खास तौर पर जो हिंदू जागरण मंच है, हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। तो कुंडी सूर्य महायज्ञ समुद्र तट पे श्री रामचरित्र मानस पाठ करने के बाद कुछ ऐसा हमारे दिल में उद्गार हुआ, और उसी समुद्र पे हमने जो है सूर्य महायज्ञ का संकल्प लिया कि यह सूर्य महायज्ञ, सप्तकुंडी सूर्य महायज्ञ मैं समुद्र पे करूँगा। तत्पश्चात जैसे हमारे अमर बहादुर शुक्ला, हमारी अवदांगिनी नर्मदा तिवारी, अखिलेश शुक्ला जी, हमारे प्रिय दोस्त कपिल जी, अमर बहादुर शुक्ला जी, हमारे सुभाष मिश्रा जी, अभिषेक तिवारी लेटी छोटे से छोटा मेरा शिष्य अमर अजीत अपने जी बहादुर सिंह, इन लोगों ने कहा कि गुरु जी वहाँ आपके लिए जो है परेशानियाँ होती हैं, आप मंदिर में ही क्यों नहीं करते। इस उद्देश्य को लेकर के मैं जो है मंदिर में यह प्रोग्राम किया, किंतु मुझे जो है 7 दिन में परम शांति महसूस हुई, और महाराष्ट्र के कोने कोने से, पूना, नासिक, सांगली, सतारा, यहाँ तक कि अहमदाबाद, सूरत, हर जगहों से लोग आ करके और आहुति छोड़ करके गए हैं। मंदिर के प्रांगण में टिकैत महाराज के द्वारा जो ये सूर्य महायज्ञ किया जा रहा है, इससे तो समाज के कल्याण के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस मंदिर में इन्होंने जो भी कार्य किया है, इस तरह से जो भी काम हो रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ।
दस रामित्र मंडल और बहुत भी सहयोगी दल भी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इतना सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं और जब तक है इसको हम बढ़ाते रहेंगे और ऐसा कार्य हर वर्ष इससे भी बढ़िया और इससे अच्छी जगह भी हम लोग इसका विस्तार करेंगे और हमारा सनातन धर्म जो है कितना आगे जाए, कितना विस्तार हो, कैसे इसको बढ़ाया जाए पूरे विश्व में, हम उसका प्रयास करेंगे। पहली क्लास में मैं पढ़ रहा था, तब से संगीत मेरे जहन में है और मुंबई में करीब मैं 2006 से भजन करता हूँ। के हमरे माई जैसन के हुए, के हमरे माई जैसन के हुए, के अरे माई नहीं वह हुआ भगा हुई जकरा के माई नहीं बा हुआ भगा हुई जकरा के माई नहीं बा। दर्शकों को इस यज्ञ के मार्फत से ये शुभकामना अपनी तरफ से देना चाहता हूँ क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ में हमेशा रहता है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे उनसे बेहतर, उनसे अच्छा मेरी अपनी भी जिंदगी नहीं लगती है। ये उनका प्यार, उनका सम्मान मेरे लिए है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है।